दोस्तों, हमारा किनवट ये किस दिशा में जा रहा है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर दिन ब दिन क्राइम, चोरी, मारधाड़ ये बढ़ते जा रहे हैं। नेता लोग काला चश्मा लगाकर खामोश है और पुलिस इस तरफ ध्यान ना देते हुए वो खामोश दिखाई दे रही है। ऐसा किनवट की जनता रो रो के कह रही है। किनवट की जनता ये कह रही है कि हम जब भी भाजी मार्केट जाते हैं, वहाँ पर मटका बाजार के दुकान फुल है और वहाँ पर शराब, गंजेटी और बहुत सारे गंदे लोग आते हैं और जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मटका बाजार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भाजी मार्केट में जाती है सामान लेने के लिए और इनके ऊपर कुछ ऐसी घटना ना घटे जिससे हमें शर्मिंदा हो, क्योंकि भाजी मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पर सभी लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग आते हैं, मटन, चिकन, मच्छी और बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मटका बाजार खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे हम लोगों को और किसी की तकलीफ को कुछ ना हो, ऐसा हर तरफ महिलाएं लोग कह रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। किनवट में मटका बाजार, भाजी मार्केट में हर तरफ दिखाई दे रहा है और घोटी में किनवट के रेलवे स्टेशन, सुभाष नगर रोड, गोकुंदा पटरी के पास और बस स्टैंड के पास हर तरफ मटका बाजार की धूम मची हुई है। दोस्तों, पुलिस वाले आज है कल चले जाएंगे, लेकिन किनवट की जनता को कौन बचाएगा? किनवट की जनता बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। और तो और दोस्तों, एक और इसमें अवैध धंधा शुरू हो गया है जो कि चकरी का। 10 रुपये लगाओ और 50 रुपये लो, और ये चकरी का, झटपट चकरी का धंधा शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस इस तरफ हफ्ता लेकर खामोश दिखाई दे रही है। ऐसा किनवट की जनता कह रही है, महिलाएं कह रही है। महिलाएं बार बार ये कह रही है कि हम जब भी इस तरफ जाते हैं, लोग हमें गलत नज़रों से देखते हैं। इसलिए भाजी मार्केट में आप देख सकते हैं कि हर तरफ मटका बाजार की धूम मची हुई है। और जो नांदेड़ ज़िले में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें हर तरफ आवाज़ सुनाई दी थी, किनवट के अवैध पत्ते के कलप पर कुछ लोगों ने लूट कर और उनको मार कर उनके पास से पैसा लेकर भाग गए थे। कहाँ पर? किनवट नगर पालिका डंपिंग ग्राउंड के बाजू में एक खेत है। उस खेत में एक आलीशान कोठे में पत्ते खेलते हुए नजर आ रहे हैं लोग, और उसमें गांजा बहुत ज़्यादा इसमें बिक रहा है। ऐसा आसपास के जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो किसान भाई है, वो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो पत्तों का क्लब है, अवैध पत्तों का क्लब, यहाँ पर शराब, जुआ और आवाज़ें बहुत सुनाई दे रही है। आसपास के जो किसान भाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस अवैध धंधे की वजह से, अवैध पत्तों के क्लब की वजह से। लेकिन हमको बहुत सारे लोगों ने कहा है, इसलिए हम न्यूज़ डाल रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हर तरफ अवैध धंधे और पत्तों के क्लब, मटका बाजार का शोर,
गली गली में शोर है, मटके बाजार वालों का जोर है, ऐसा सुनाई दे रहा है। किनवट की जनता परेशान है। इस किनवट की जनता को कौन इस अवैध धंधों से मुक्त कराएगा, यह आने वाला विधानसभा बताएगा। दोस्तों देखते रहिए आज की न्यूज़।